हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ PS7 एयरपोर्ट रोड पे। जी हाँ, लोकेशन आपकी जो आपकी मेन प्रेफरेंस रहती है एक घर खरीदने के टाइम पे, ये लोकेशन आपकी चंडीगढ़ मोहाली से बिल्कुल सेंटर में पड़ती है और रहती है आपकी एयरपोर्ट रोड जरकपुर। एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, मोहाली 5 मिनट की दूरी पे रहने वाला है, चंडीगढ़ आपका बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे यहाँ पे शुरू हो जाता है। सोसाइटी की बात करता हूँ तो आपकी जो सोसाइटी रहने वाली है वो रहने वाली है 5.25 एकड़ में, जिसके अंदर आपको अमेजिंग ग्रीन एरिया मिल जाता है, क्लब हाउस मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट पिच, बास्केट कोर्ट, स्केटिंग रिंक्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 3 BHK और 3+1 सिर्फ दो ही कैटेगरी रहने वाली हैं, 5 टावर रहेंगे और 252 यहाँ पे आपके फ्लैट रहने वाले हैं। मैं लखवीर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल LS होम्स में और शुरू करते हैं आज का होम टूर। तो दोस्तों, जो आपका आर्किटेक्चर रहेगा वो रहेगा स्पेनिश आर्किटेक्चर मतलब प्राइवेसी, तो आपको पूरे घर में मिलने वाली है प्योर प्राइवेसी। आज मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको 3+7 का, जिसका साइज रहता है आपका 2284 स्क्वेयर फीट का। ड्यूल एंट्रेंस मिल जाती है आपको और साथ में आपको एंट्रेंस मिल जाती है अच्छी साइज की विंडो, जो आमतौर पर घरों में बहुत कम देखने को मिलती है। एक अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है और काफ़ी डिजाइनर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है डोर की। तो दोस्तों, जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं आप देखते हैं आपको मिलने वाली है प्रॉपर प्राइवेसी। कोई भी गेस्ट, कोई भी डिलीवरी बॉय अपन डोर पे खड़ा है तो आप देख सकते हैं प्रॉपर प्राइवेसी रहती है। आपको सिर्फ मेरा स्टेट पोर्शन नज़र आ रहा होगा, पूरा पूरा घर आपका विजिबल नहीं रहेगा, कवर्ड रहेगा। तो दोस्तों, एंट्रेंस पे आपको रहता है ड्राइंग डाइनिंग और जिसका साइज रहने वाला है 20x21 का। 20x21 का आपको अमेजिंग ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं सीटिंग जो स्पेस है यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 8 to 10 पीपल आप यहाँ पे इजीली गैदर कर सकते हैं, फिर भी आपको जो स्पेस है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ड्राइंग के बिल्कुल साथ आपको रहने वाली है आपकी बैल्कनी, और बैल्कनी आपकी काफ़ी स्पेशियस मिलने वाली है। 6 feet वाइड आपकी बैल्कनी रहने वाली है और जो व्यू रहने वाला आपका, जहाँ हाईवे फेसिंग रहेगा या आपका पार्क फेसिंग रहेगा, तो आप देखिए व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों, जितनी स्पेशियस आपको यहाँ पे रूम मिल रहे हैं, जितने स्पेशियस आपको घर मिल रहा है, उतने ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे व्यूज़ भी मिल रहे हैं। व्यूज़ मेरे कहने का मतलब, अगर आप हाईवे फेसिंग लेते हैं तो आपको प्रॉपर एयरपोर्ट रोड की फेसिंग मिलती है, और पार्क फेसिंग लेते हैं तो आपको प्रॉपर पार्क फेसिंग मिलता है, साथ में आपको मिलता है आपका कसौली हिल्स का बहुत ही अच्छा व्यू। ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है। स्पेस देखिए, ड्राइंग रूम में आपके सोफास लगे हैं, यहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल सजा हुआ है और बीच में आप स्पेस देखिए कितनी अच्छी मिल रही है। तो स्पेस मैनेजमेंट जो एक आपको घर में चाहिए होती है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर दी गई है, और साथ में आपको दी गई है प्राइवेसी। तो दोस्तों, अब मैं किचन की बात करता हूँ। किचन में आपको ओपन किचन का कंसेप्ट भी मिल रहा है, और बात करूँ कवर किचन चाहिए आपको तो उसका भी अच्छा कंसेप्ट मिल जाता है। तो एक 8x12 की आपको एक अमेजिंग किचन मिल जाती है, अमेजिंग साइज के साथ, अमेजिंग क्वालिटी के साथ और एक अमेजिंग मटेरियल के साथ। किचन आप देखिए प्रॉपर आपकी हाईटेक ब्रांड्स की रहने वाली है, ब्रांड्स की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई यहाँ पर बिल्डर ने। आपको हर चीज़ आपको ब्रांडेड मिलेगी, चाहे मैं टाइल्स की बात करूँ, चाहे मैं डोर्स की बात करूँ, चाहे मैं UPVC की बात करूँ। अगेन आपको मिल जाती है पेंट्री की स्पेस, यहाँ पर रहेगा आपका डबल डोर का प्रॉपर फ्रिज की स्पेस। स्टोरेज के लिए कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, सारे के सारे आपके एडजस्टेबल यहाँ पर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, प्रॉपर मैकेनिकल स्पेस देगी आपकी। और चिमनी की ये आपका पैनल यू शेप में किचन मिल जाती है, जिसमें ड्राई एरिया अलग, वेट एरिया अलग, और ये रहती है आपकी बैल्कनी का वॉशिंग एरिया रहने वाला है। और यहीं से आपको एंट्रेंस मिल जाती है आपकी सर्वेंट रूम की, इंटरनल एंट्रेंस, वैसे बाहर से भी है पर इंटरनल भी आपको यहाँ से सर्वेंट आपकी घर के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, अच्छे साइज, जैसे मैंने कहा कि आपको 2 to 8 स्क्वेयर फीट का घर दिखा रहा हूँ, बहुत अमेजिंग साइज है, उतना ही अमेजिंग साइज आपके रूम के मिलने वाले हैं। और प्राइवेसी आपको घर के अंदर ही नहीं, एंट्रेंस में ही नहीं, बल्कि रूम में मिल जाती है। आइए, अमेजिंग कब्ज के साथ आपका स्वागत होता है, और साथ में ही आपको मिल जाता है एक अमेजिंग एंट्रेंस में ही आपका वॉशरूम, और वॉशरूम की आप फिटिंग्स देखिए, टाइल्स देखिए, सैनिटरी फिटिंग्स देखिए, आपको टोटो की सैनिटरी फिटिंग मिल रही है यहाँ पे,
जो आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। कॉलर और जैगुआर ही चलता है, पर यहाँ पे आपको टोटो की मिल रही है, अमेजिंग इंटरनेशनल ब्रांड है। इसी के साथ आपको रूम मिल जाता है और जिसका साइज रहने वाला है 11x15 का, क्लियर रूम साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है 11x15 का, अमेजिंग साइज विथ अमेजिंग स्पेस एंड विथ आपका अमेजिंग व्यू। वाओ, खास बात ये रहने वाली है आपकी, आपका हर एक रूम आपका बैल्कनी के साथ अटैच है और जो आपका यहाँ से व्यू आता है अमेजिंग, आप देखिए कितना अच्छा कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। अगर आपको एक मेंटली पीस चाहिए तो वो इस बालकनी में बैठ के चाय के सिप के साथ जो आपका व्यू मिलेगा आपको, उससे आपको जो पीस मिलने वाली है अमेजिंग मिलने वाली है, जो संतुष्टि मिलने वाली है वो भी आपको एक अमेजिंग मिलने वाली है। दोस्तों ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। अगेन मैं बोलूँगा आपको 11x15 का क्लियर रूम साइज मिल जाता है और उससे पहले प्राइवेसी जिसकी मैं बात करता हूँ, आपकी अगर आपके रूम में एंटर करने से पहले आपको एक फ्लोर एरिया मिल जाता है जिसमें आपकी कबर्स आती हैं, साथ में आपका अटैच वॉशरूम आता है, तो इस एरिया की वजह से आपको एक अच्छी प्राइवेसी मिल जाती है। क्या अगेन आपको एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है, कबर्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, काफ़ी स्पेशियस मिल जाती हैं। नीचे आप देखिए आपको प्रॉपर वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है और यहाँ पे आप सिटिंग स्पेस मिल जाती है, आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी डिसेंट साइज का यहाँ पे इंटीरियर किया हुआ है और LED पैनल अब के बेड के बीच में भी एक अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है। घर ले रहे हैं आप, अच्छी लोकेशन पे ले रहे हैं तो उसके साथ एक अच्छा आपको व्यू भी मिल जाता है। दोस्तों ये देखिए आपका थर्ड बेडरूम विथ कॉमन वॉशरूम, कम अटैच वॉशरूम, 11x13 का एक अच्छा साइज मिल जाता है और इस रूम की खास बात ये रहने वाली है कि यहाँ पे आपको अटैच में दो बालकनीज मिल जाती हैं, एक आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं, एक मेरे बिल्कुल आपको सामने मिल जाती है, एक अच्छी आपको यहाँ पे कबर्स भी दी गई है। तो ये रहेगी आपकी मेन बालकनी जो आपकी अटैच रहेगी इस बेडरूम से और यहाँ से अगेन आपको जो बालकनी काफ़ी स्पेशियस है, जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये देखिए आपके सेकेंड एंट्रेंस आपके सर्वेंट रूम के लिए, एक डिसेंट साइज का आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच आपका वॉशरूम रहने वाला है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, आपको ये घर कैसा लगा, आपको घर का इंटीरियर उसके अमेनिटीज कैसे लगी। अभी कोई भी क्वेरी है इस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, इस लोकेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल लव टू हेल्प यू, वी विल लव टू असिस्ट यू। इस प्रॉपर्टी का मिनिमम जो प्राइस शुरू होता है 3 BHK का, वो होता है 1.06 CR से, और जो हमने आपको सैंपल दिखाया वो 3+1 है, उसके जो प्राइस शुरू होगा वो होगा 1.49 CR ऑनवर्ड्स। प्रॉपर्टी आपकी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, आने वाले कुछ महीनों में आप लगा के चलिए जून से आपको पोजेशन यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी, काम हमारा ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है, खत्म हो चुका है। मैं लखवीर आपसे ज़्यादा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई प्रॉपर्टी के साथ, नई लोकेशन के साथ, एक नई अमेजिंग लोकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एलएस होम्स।